अगर आप भी अपने फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक करके अपने फ़ोन के अंदर कस्टम रोम्स वगैरह यूज करना चाहते हो या फिर रूट वगैरह करना चाहते हो ताकि आप बाकी अदर बेनिफिट वगैरह ले पाओ, या फिर कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक करना चाहते हो और ये नहीं हो पा रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा गाइड देने वाला हूं कि आप कैसे विदाउट Xiaomi कम्युनिटी के परमिशन लिए हुए अपने फ़ोन के बूटलोडर को अनलॉक कर पाओगे, अपने अकाउंट को है जो अपने फ़ोन के अंदर ऐड कर पाओगे। बस उसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और इससे रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी जो 2-3 वीडियो दिया है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई है, बूटलोडर अनलॉक हुई है। बट अभी के टाइम पे Xiaomi का एक नया पॉलिसी आ गया है जिसकी वजह से वो मेथड प्रॉपर काम नहीं करता है, समटाइम करता है समटाइम नहीं, तो एक अनदर मेथड अवेलेबल हुआ है। तो बस लास्ट तक वॉच करना, चैनल पर नए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना ताकि बाकी के यूजर्स का भी बेनिफिट हो सके। मैं यहाँ पे अनलॉक करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि मेरे जितने भी फोन है सारे अनलॉक होए हुए हैं, मैंने पहले ही कर लिया है। लेकिन हाँ, मैंने जो मेथड बताया है शेयर किया उसके वजह से बहुत सारे लोगों का अनलॉक हो रहा है, तो उनके मैं प्रूफ दिखाऊंगा। लेकिन हर कोई भाई ट्रस्ट नहीं करता है प्रूफ से, कहता है कि भाई फेक है, व्यूज के लिए ऐसा वैसा कर रहा है। तो भाई करना आपके ऊपर है, डिपेंड आपका है, मर्जी आपकी है, फोन आपकी है कि आप करना चाहते हो नहीं, कर लेना। अगर आपके लिए काम कर गया तो ये वीडियो आपके लिए वर्किंग रहेगा, अदरवाइज आप बाकी की तरह फेक बोल के चले जाओगे। लेकिन हाँ, वर्किंग रहता है तो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ ये मेथड जो आपने बताया काम कर रहा है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्योंकि ये ग्लिच मेथड है जिसके वजह से आपका ये काम कर भी सकता है 100% और नहीं भी कर सकता है। तो टोटली ये डिपेंड करेगा आपके लक के ऊपर, लेकिन हाँ आप कंटिन्यू ट्राई करते रहोगे तो कुछ दिनों के अंदर ये काम कर जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। तो सिंपल, आपको पहले मेरे इस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है, या फिर आप चाहो तो बाद में लीव कर देना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ज्वाइन हो, हमारी यहाँ पे अकाउंट नंबर बढ़ाओ, नहीं, आपका काम बनता है, आप बाद में निकल भी सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन जैसे आप ज्वाइन हो गए, इस तरीके से पूछेगा आप ह्यूमन हो या नहीं, और यहाँ पे आपको कुछ रूल वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे। पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि आप आगे का प्रोसेस फॉलो कर सको। उसके बाद वापस यहाँ पे आ जाओ और इस पे क्लिक कर दो। अब आप यहाँ पे एक्सेस हो पाओगे इस ग्रुप के अंदर, मैसेज कर पाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। लेकिन आप चाहोगे इंस्टेंट रिप्लाई मिले तो भाई वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, जब मैं ऑनलाइन आऊँगा तभी मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ। और यहाँ पे आपको टाइप करना है सिंपल बूट लोडर अनलॉक। जैसे आप बूट लोडर अनलॉक टाइप करके यहाँ पे मैसेज करोगे, यहाँ पे आपको ऑटो रिप्लाई मिल जाएगा जहाँ पे आपको मेथड बताए गए। यहाँ पे मैंने नया मेथड भी ऐड कर दिया और पुराना मेथड भी मिलेगा, आपको सारे मेथड ट्राई करने हैं जिसकी वजह से आपका है जो काम यहाँ पे बनेगा। तो बस इस लिंक पे क्लिक कर देना है। ये एक नया चैनल है, ऑलरेडी 2 चैनल मेरे बैन हो चुके हैं क्योंकि कुछ लोग रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि बूट लोडर अनलॉकिंग आज के टाइम में सब कुछ पेड बना रखे, सब कुछ पेमेंट लेते हैं फिर अनलॉक करते हो, कई बार फ्रॉड भी कर देते हैं, और मैं यहाँ पे सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करूँ, जिसकी वजह से लोग भाई दुखी होते हैं और उल्टे सुलटे काम करते हैं, जिसकी वजह से मेरे 2 चैनल उड़ गए। बट फिर भी मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। तो यहाँ पे आ जाना, आप ये चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखे हो तो ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है बूट लोडर अनलॉक 3। यहाँ पे मेथड दिया गया, फर्स्ट सेकेंड आप चेक कर लेना वीडियो वगैरह कैसे क्या काम करता है। अगर ये काम कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं काम करता तो आपको मेथड 2 के ऊपर आना है, जिसका ABC यहाँ पे डाला गया है मेथड। फर्स्ट मेथड है हमारा ग्लिच का, जिसमें आपको क्या करना है कि अपने मी अकाउंट को रिमूव करना है, ऐप में जाके सर्च करना है सेटिंग का, उसका डेटा क्लीन करना है, उसके बाद मी अकाउंट को ऐड करके डेवलपर सेटिंग में ऐड करना है, जो कि मैंने इसके ऊपर वीडियो दे रखा है। और ये काम करता है बट समटाइम नहीं करता, समटाइम करता है। जब से न्यू पॉलिसी आया है Xiaomi का कि आप अब एक अकाउंट से परमिशन लेने के बाद सिर्फ उसे एक ही बार फोन अनलॉक कर सकते हो 1 साल के अंदर, जब से ये मेथड बहुत सारे लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन पहले जो पॉलिसी था कि एक परमिशन के बाद 3 फोन अनलॉक कर सकते थे, तो उस समय काम कर रहा था अच्छे तरीके से। तो ये मेथड आप ट्राई कर लेना, अगर काम कर जाए तो अच्छी बात, नहीं करता है तो आपको दूसरे मेथड पे आ जाना है, जो कि ये है हमारा, जो कि सेम वही प्रोसेस है, बस आपको VPN लगा के इस वीडियो को वॉच करके फॉलो कर लेना है। लेकिन अगर ये भी काम नहीं करता है तो इसके ऊपर आना है, जो कि अभी के टाइम पे रन कर रहा है और सभी का काम कर रहा है। क्या करना है, सिंपल आपको अपने फोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि लेटेस्ट Xiaomi कम्युनिटी का होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेम अकाउंट लॉगिन करना है, जो कि आपके फोन के अंदर लॉगिन होगा वही अकाउंट आप लॉगिन करना। ये जो मी कम्युनिटी ऐप है, आप चाहो तो सेम डिवाइस के अंदर कर सकते हो, फिर डिफरेंट डिवाइस के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों के अंदर सेम अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिलहाल लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे दिखाई देगा अनलॉक बूट लोडर। लॉगिन कर लेने के बाद क्या लिखा हुआ है कि आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर अनलॉकिंग कब, तो ये आपका होगा टाइमिंग 9:29:59, जो कि एक्यूरेट टाइम होना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हो लेकिन सेम टाइमिंग रहेगा तो अच्छा रहेगा। और ये सारे काम जो कि लॉगिन करने वाला ये सब कुछ है, जो कि आपको 9:20 पे ही कर लेना है या फिर पहले भी आप करके सेट कर लेना। उसके बाद इसके ऊपर आ जाना, जैसे आपका टाइमिंग होगा फोन के अंदर यहाँ पे टाइम आ जाता है 9:29 होता है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके से कोटा रिच का आपको पॉपअप देखने को मिलेगा। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है,
इसे छोड़ देना है, अपने फ़ोन के ऊपर आ जाना है जहाँ पे आपको परमिशन वगैरह लेना है, ऐड करना है। सिंपल आपको अपने फ़ोन का सेटिंग ओपन करना है, सेटिंग ओपन करने के बाद अबाउट फोन पे जाना है, यहाँ पे डिटेल इन्फो पे आना है और इस ओएस वर्जन पे टैप करना है जिससे आपका डेवलपर सेटिंग यहाँ पे ऑन हो जाएगा जो कि अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद आपको बैक करना है, बैक करने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाना है, डेवलपर की सेटिंग को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा मी अनलॉक स्टेटस जो कि मेरा ऑलरेडी अनलॉक है लेकिन यहाँ पे आ जाना है। और हाँ, उससे पहले आपके फ़ोन के अंदर है जो मी अकाउंट लॉगिन होना चाहिए अगर नहीं है तो, और आपका फ़ोन का सिम नेटवर्क होना चाहिए ना कि आपका वाईफाई नेटवर्क, क्योंकि अगर आप वाईफाई यूज करते हो तो ये काम नहीं करेगा, तो वाईफाई को आपको ऑफ कर लेना है। सिम अकाउंट आप लॉगिन रखना, उसके बाद इंस्टेंट आपको उसी टाइमिंग पे जब आपको जो कोटा रिच का है जो प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है उसके बाद यहाँ पे आकर आपको जो ऐड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे ऐड करोगे, मेरा तो अनलॉक है लेकिन आप जैसे ही ऐड करोगे आपको यहाँ पे पॉपअप देखने को मिलेगा कि आपका डिवाइस जो सक्सेसफुली ऐड हो गया है, क्योंकि इसी तरीके से लोग हैं जो फिलहाल यहाँ पे काम कर रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोटा रिच का पॉपअप आया है, उसके बाद यहाँ पे दूसरे फोटो में देखो यहाँ पे ऐड सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोबाइल नेटवर्क है ना कि वाईफाई वगैरह है। यहाँ पे देखो फिर से एरर है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐड हो चुका है और यहाँ पे भी मोबाइल नेटवर्क है ना कि वाईफाई है। यहाँ पे भी ऐड हुआ है, यहाँ पे भी मोबाइल नेटवर्क है और यहाँ पे भी आपका ऐड हुआ है और यहाँ पे भी आपका है जो मोबाइल नेटवर्क ही है, यानी वाईफाई यूज नहीं करना। और यहाँ पे आप देखो ग्रुप में भी बंदे ने जो है कमेंट करके बताया है कि जो मेथड थर्ड है यानी सी मेथड है वो आपका प्रॉपर काम कर रहा है जो कि इनका ऐड हुआ और 72 आवर्स का यहाँ पे टाइमिंग भी मिला है। मैं आपको ग्रुप में ही दिखा देता हूँ वो मैसेज कि किसने है जो ये चीज़ें पोस्ट करी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 72 आवर्स का यहाँ पे टाइमिंग मिल चुका है, अब यहाँ पे जैसे टाइम कंप्लीट होगा अनलॉक हो जाएगा। तो ये सिंपल मेथड आपको फॉलो करने हैं। अगर ये मेथड आपका काम नहीं करता है, एरर आ जाता है, तो आपको जो कि मैंने ए और बी वाला मेथड बताया ना उसे ट्राई करते रहना है और नेक्स्ट डे फिर से आपको सेम टाइमिंग पे जो कि आपका होगा 9:20 और 9:29 पे ये मेथड को फिर से रिपीट करना है और आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मेथड ट्राई करते रहना है और आपका ये काम बनेगा सक्सेसफुली। देखो यहाँ पे एक और का है जो ये काम बना है मेथड सी वाले के हेल्प से। तो मैं यहाँ पे बस गाइड कर रहा हूँ, मे बी आप लोगों को ट्रस्ट ना हो तो भाई मर्जी आपकी, ट्राई कर लोगे आपका काम बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कीप ट्राइंग। क्योंकि अगर आप कहीं पे जाते हो, अकाउंट बाई करते हो और चार्जेस वगैरह देते हो तो भाई मैं कहूँगा अच्छी बात नहीं है और मे भी आपके साथ स्कैम भी हो सकता है क्योंकि ऐसा बहुत हो रहा है अभी के टाइम पे। तो मैं सिंपल यही कहूँगा कि मैंने 2-3 मेथड दे रखे, इन सभी को ट्राई करो, नहीं होता तो फिर से रिपीट करते रहो, आपका काम बन जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, नए मेथड वगैरह आते हैं तो मैं अपने चैनल पे और ग्रुप में जो शेयर कर दूंगा ताकि आपका है जो काम बनता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कि आपका क्या रिस्पॉन्स मिला इन सभी मेथड को फॉलो करने के बाद। क्योंकि भाई लोगों के तो यहाँ पे अनलॉक हो रहे हैं, किसी का ए मेथड से हो रहा है, किसी का बी से हो रहा है और किसी का सी से हो रहा है, और ये जो ऊपर के मेथड है ना ये तो भाई स्टिल अब काम नहीं कर रहा है, लेकिन ट्राई कर लेना, क्या पता किसी एक ना एक मेथड से आपका काम बन जाए। तो बस इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।